एमएनएम फाइनेंस, जरा एक बार इसका चार्ट देख लें और बताएं क्या है इंपॉर्टेंट लेवल्स। दीपांशु, जो हिसाब से एमएनएम फाइनेंस का मैं चार्ट देख रहा हूँ, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में तो स्टॉक जुलाई 2023 से था 340 के आसपास, बट यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड नहीं, क्योंकि बार बार स्टॉक में एक कट तो आ जाता है, फिर भी थोड़ा थोड़ा रिकवर हो जाता है। और इस बार जो पिछला जो ये अप्रैल 12 तारीख से जो 310 से स्टॉक टूटा है, उसके बाद अब स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 200 डीएमए के भी नीचे है, 10 और 20 दिन के मूविंग एवरेजेस के भी नीचे। और आज जो एक रिबाउंड स्टॉक ने करने का ट्राई किया था 273-274 के आसपास, वो जो गैप एरिया जहां से गैप डाउन हुआ था 22 अप्रैल को, वो गैप को अभी तक फिल नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लग रहा है जब तक ये 275-277 वाला जो जोन है, ये पोजिशनली एक बार क्लियर नहीं कर पाएगा, जब तक इसके ऊपर ये क्लोज नहीं देता है, तब तक मुझे लग रहा है यहाँ पे सेल ऑन प्राइस रहेगा। और नीचे की तरफ 258-257 का एक सपोर्ट जोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई इससे होल्ड भी कर रहा है तो इसको 258 का एक स्टॉप लॉस लगा के चले, कि उस 258 के नीचे यदि ये स्टॉक फिसलता है तो अगला सपोर्ट सीधा 235-237 के आसपास है। तो 258 का एक स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस के लिए। और फ्रेश में रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ से बॉटम फिशिंग करने के लिए, तो बस खाली जिनके पास है वो 258 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। यह आपके लिए एमएनएम फाइनेंस डिटेल में बता दिया सुदीप जी ने कहां पर इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। आइए डिटेल में समझते हैं।